स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाजार के पंडित पे। मैं हूं प्रभास मिश्रा। आज आगे मैं फिर से एक बहुत बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूं उनके लिए। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने शहर का नाम लिखिएगा नीचे, और नीचे शहर का नाम अगर लिखते हैं तो आप लोगों को नेक्स्ट कॉल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है इंट्राडे की। इसके अलावा अगर वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उसमें आप डीमेट अकाउंट खुलाते हैं तो श्योर है कि आपको नेक्स्ट इंट्राडे की कॉल मिलेगी। आप हमारा डीमेट अकाउंट खुलाइए और अपना ईमेल आईडी कमेंट करिए और आपको नेक्स्ट कॉल मिल जाएगी। तो इसके अलावा आज हम लोग पर्टिकुलर जो भी वीडियो शुरू करने जा रहे हैं वो इंट्राडे की पहला लेसन है। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक आते हैं तो ये लेसन हम लोग आगे शुरू करे रखेंगे, और हम लोग जो बिगिनर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको धीरे धीरे ये सारी चीजें उनको हेल्प करेंगे। अगर वो ट्रेड करते हैं या फिर वो डिलीवरी के लिए कोई स्टॉक लेते हैं तो ये केवल इंफॉर्मेटिव वीडियो है। नेक्स्ट चीज, इस वीडियो में इन चीजों को मैं अप्लाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, आपको केवल एज्यूम करना है, इन चीजों को ऑब्जर्व करना हो कि क्या चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि इंट्राडे में टाइम किस टाइम ट्रेड किया जाए, किस टाइम आपको कौन सा मूवमेंट दिखेगा, किस टाइम मोमेंटम ज्यादा तेज होगा, किस टाइम मोमेंटम कम तेज होगा, तो ये पर्टिकुलर बात हम लोग करेंगे। तो पहले बात करते हैं सबसे पहले कि कहता है इंट्राडे की फर्स्ट टाइमिंग बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले समझेंगे कि जैसे ही मार्केट खुलती है तो आपको पता होगा कि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूशन होता है, यानी फ्लक्चुएशन होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, मार्केट अप्स एंड डाउन दिखती है। क्योंकि क्या होता है, मार्केट सडनली खुलता है, जो भी सौदे लगने होते हैं, किसी को बेचना होता है, किसी को खरीदना होता है, तो वहां पे क्या होता है, काफी सौदे क्या होते हैं, एक साथ हाई वॉल्यूम भी आ सकता है, एक साथ लो वॉल्यूम भी आ सकता है। तो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट 45 मिनट्स क्या करना है, मार्केट को एडजस्ट होने देना है, यानी कि 9:15 से 10 बजे तक आपको मार्केट को एडजस्ट होने देना है। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, आपका एटीपी जो होता है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस, वो क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। अब एवरेज ट्रेडेड प्राइस क्या होता है, तो यहां पे ये समझ लीजिएगा कि जिस पर्टिकुलर प्राइस पे ज्यादा सौदे लग रहे होते हैं वहीं पर एक एटीपी बन जाता है, और ये बताया जाता है कि अगर एटीपी के ऊपर स्टॉक चल रहा है तो वो बाय कॉल होती है, अगर एटीपी के नीचे होता है तो वो सेल कॉल होती है। तो पहले जो होता है, यानी कि जो चूंकि एटीपी बहुत तेजी से बदलता रहता है, लेकिन उसे एडजस्ट होने में एटलीस्ट 45 मिनट लगते हैं। तो जो 10 o'clock होता है, यानी 10 बजे का जो समय होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 बजे के बाद जो भी एटीपी आपका सेट होता है, वो एक एटीपी के अगर ऊपर कोई स्टॉक अगर मोमेंटम दिखा रहा है, तो यानी क्या आना है, वो उसकी चाल को पकड़िए। उस चाल में क्या होता है कि अगर वो ऊपर की ओर मोमेंटम दिखा रहा है तो उस चाल का पता आपको 10 से 10:30 के बीच में लगने लगेगा। तो पहला टाइम आपका ये होता है 10 से 10:30 के बीच में, किसी भी मार्केट की, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक की चाल पकड़नी है तो आपको 10 से 10:30 का टाइम आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे जो नेक्स्ट टाइम होगा, तो नेक्स्ट टाइम में आपका सबसे पहले आता है कि नेक्स्ट जो मोमेंटम होगा कि 10 से 10:30 के बाद जो भी एक लेवल चलना शुरू होगा, वो लेवल क्या होता है, एक जगह पे या तो हाई पे बना के या फिर लो पे बना के एक लेवल पे स्टैटिक हो जाएगा, यानी कि मार्केट 2 से 2.5 घंटे के लिए क्या हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी, वो स्टॉक आसपास मूव करेगा। अगर उसने हाई बना लिया तो हाई और लो के आसपास मूव करेगा, और उसने अगर लो बना लिया तो लो हाई के पास में क्या करेगा, वो मूव करेगा। नेक्स्ट जो हो जाएगा 1:30 बजे का जो टाइम है, 1:30 बजे के बाद भी क्या होता है, एक छोटा सा मोमेंटम आपका शुरू होते हुए दिखेगा, वो हो सकता है पहले मोमेंटम का क्या हो, आपका जस्ट रिवर्सल हो, यानी कि मान लीजिए शुरुआत में मार्केट जो 10 बजे से 10:30 बजे चल रहा था वो क्या रहा था, इसने एक हाई मेंटेन कर रखा था, और 1:30 बजे में भी वो क्या करने लगे, एक धीरे धीरे रिवर्सल, यानी कि क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, स्टॉक गिरने लगे। तो वहां से आपको वो ट्रेंड पकड़ लेना है, अगर वो चीज अगर ऐसा हो रहा है तो वो अपना एक शुरुआती संकेत दे देगा कि वो अब नीचे जाने वाला है कि वो अब ऊपर जाने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, 3 से 3:30 बजे का टाइम, इस स्टॉक में यानी कि इस समय सबसे ज्यादा आपको चीजें, यानी कि बहुत तेजी से आपको प्रॉफिट भी आ सकता है और बहुत तेजी से अगर आपको क्या होता है, लॉस भी आ सकता है। तो कोई भी, यानी कि 3 से 3:30 का समय बहुत ही सेंसिटिव समय होता है, और वहां पे क्या होता है कि अगर कोई भी एक मोमेंटम बना है, अगर अपर सर्किट का मोमेंटम बना है, तो आपको जैसे ही अगर आपने कोई भी ट्रेड किया है या फिर नहीं किया है, ट्रेड को देखिए, अगर आप इस प्राइस पे ट्रेड लगाते तो उसमें मोमेंटम कैसा दिख रहा है, या तो वो बहुत लंबा जाएगा या तो शुरुआत में अपनी चाल बता देगा कि किस तरीके की चाल वो ले रहा है, यानी क्या होता है, अगर वो बहुत लंबा जाने वाला होगा तो स्टॉक में बहुत तेजी से मूवमेंट देखने को मिलेगा,
है ना, और बहुत छोटी चाल होगा तो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। तो वहां पे आपको क्या करना है, छोटा सा एक क्या करना है, अपना प्रॉफिट बुक करना है और एग्जिट कर लेना, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा नहीं है। आपको पता है इस समय बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन होगा कि 3 से 3:30 के बजे, 3:30 बजे अगर किसी स्टॉक ने जरा सा मोमेंटम दिखाना शुरू करा है तो उस मोमेंटम को पकड़िए, उसमें जो भी छोटा मोटा बेनिफिट मिलता है तुरंत बेच के एग्जिट करिए और मार्केट बंद हो जाने दीजिए, ऐप को बंद कर दीजिए। तो ये तीनों टाइम आप रखेंगे, पहला यानी कि शुरुआत में जो बिगिनर्स हैं, जो स्टॉक में ट्रेडर नए आए हैं, जो इंट्राडेर हैं या फिर जो भी ट्रेडर हैं, वो इन टाइम्स को बहुत ही ऑब्जर्व करेंगे। मैं अभी आपको कोई भी, बस आपको ऑब्जर्व करना है, मैं इसकी राय दे रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। अगर आपको लगाना भी, अगर आप बिगिनर है तो केवल एक क्वांटिटी से, अगर आपको सीखना है कोई भी चीज तो एक क्वांटिटी, एक स्टॉक, दो स्टॉक, मतलब हफ्ते में आप एक ट्रेड कर सकते हो। और इन चीजों को पकड़िए, पहले सीखिए, और जब आपको ये चीज समझ में आ जाएंगी तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो पहला टाइमिंग 10 से 10:30 के बीच में, सेकेंड टाइमिंग है 1:30 से आपका 2, 2 और 2:15 के बीच में, 1:30 से 2, 2:15 के बीच में, और लास्ट टाइमिंग बता रहा 3 से 3:30 के बीच में। यानी कि यहां पे ही सारे क्या आते हैं, बहुत बड़े लोग क्या आते हैं, तेजी से प्रॉफिट निकाल के आप बाहर भी आ सकते हैं और तेजी से लॉस लेके भी आपका चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा स्टॉप लॉस आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट लगाना है। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो 100 लाइक जरूर दीजिएगा, तो फर्दर हम लोग ये सेशन शुरू करे रहेंगे और आपको फर्दर लेसन भी देते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।